नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, आईएनटी टुडे न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। सारे मुल्क के साथ साथ हमारे शहर हैदराबाद में भी रातों रात लखपति बनने के लिए सारे ही लोग दिलो जान से बहुत सारे बेकार मामलात से जुड़े हुए हैं और इस सिलसिले में आरपी यानी राइस पुलिंग एटम की खामोश तरीके पर बड़ी ही धूमधाम है। अभी खबर है कि मीरचौक डिवीजन की पुलिस ने राइस पुलिंग का चमत्कार बताने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि इन्होंने रियासत कर्नाटक के हुमनाबाद के साकिन 42 साल रुस्तुम पटेल को आरपी के झांसे में लाकर करीब 5 करोड़ का चूना लगा दिया है। इसकी शिकायत पर पुलिस ने 3 लोगों राजेंद्र नगर के साकिन मेहताब हुसैन, उनकी बेगम सकीना फातिमा और नामपल्ली के मशहूर रोडी शीटर जंगली यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से आरपी के नाम पर बताए जाने वाले कॉपर वेसल, एक गैर मारूफ खातून का हिमायती खत, एक एयर पिस्टोल, A1 के 2 पासपोर्ट, 13,50,000 की नकद रकम, काले जादू की एक किताब और मुतालिका अशिया, एक चांदी का छल्ला, इस रकम से जो जमीनात खरीदी गई थी उनके डॉक्यूमेंट्स, कुछ चेक बुक्स और कुछ सादे बॉन्ड पेपर्स, 5 ग्राम सोने की कुछ चीजें और 48 ग्राम रोल गोल्ड के आइटम्स वगैरह बरामद कर जब्त कर लिए। इस केस में इंस्पेक्टर मीरचौक एल बालू चौहान ने डिवीजन के एसीपी बी आनंद की निगरानी में अपनी टीम के साथ अहम रोल अदा किया। मजीद तहकीकात जारी है। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अंदर मीरचौक पुलिस स्टेशन मीरचौक एसीपी जानिब से इंस्पेक्टर मीरचौक उनका टीम एक काला जादू नोटोरियस चीटर मेहताब हुसैन और इलियास आदिल उनको अरेस्ट के गिरफ्तार कर दिया। इसका बीबी सकीना फातिमा और जो आदमी कुछ पैसा का मामला में एक जंगली यूसुफ ये पीडी एक्ट डिटेन्यू भी थी था, ये 3 आदमी को अरेस्ट करके आज ये कोर्ट के सामने जुडिशियल के सामने रख रहा है। ये आदिल ये मेहताब हुसैन पूरा हैदराबाद में ज़्यादा लोगों कभी कभी डोजन से ज़्यादा लोग को डुबाया। उनका मानवातीत सुपर नेचुरल पावर्स थे इनके पास। अगर ये काला जादू ये चांट पड़ेगा तो मंत्र पड़ेगा तो ये पूरा निजाम मैसूर टिप सुल्तान का खजाना निकालता, थाउजेंड्स हजारों को क्रोर्स मिलता है। तो ऐसा ऐसा ज़्यादा लोगों को चीट कर दिया, ज़्यादा लोग आगे नहीं कर सका क्योंकि इससे बहुत डर है। कई रवड़ी सिटियों को भी उनको डरा रहे। एक रुस्तुम पटेल था याकूतपुरा पुराना शहर में, बहुत बहुत बिजनेस था इनके, फंक्शनल बंडलगुड़ा, ये पूरा बेचकर 10 साल से इसका इफेक्ट में आकर करोड़ों रुपए उनको दे दिया। वो आज ही खजाना निकल रहा है, कल निकाल रहा है, कुछ पैसा कम है, कुछ टाइम का हालत अच्छा नहीं। एक राइस पुलिंग भी ऐसा थोड़ा टेस्ट करके कर दिया, वो भी थोड़ा मैग्नेट करके कर दिया, छोटा मोटा कन्विंस करने के लिए लगाया। पैसा अगर पूछेगा तो वो एयर पिस्टल से ये नॉर्मल पिस्टल तरफ है, वो दिखा रहे मेरा आर्म्स लाइसेंस है ऐसा। और एक इंटरेस्टिंग इशू, एक लेडी बेंगलुरु का था, बीदर का, ये लेडी 400 साल का पहले एक महारानी थी। ये लेडी का टाइम में जो आदमी कंप्लेंट है रुस्तुम पटेल हो दूसरा हो, उनका बोलते हैं ये प्यार लव लेटर लिखा है हिंदी में, तुम बहुत पसंद है 4 साल 4000 ईयर्स 100 का 4000 के साल के
आपको देख रहा हूँ, अभी आपको मिल गया मेरा 7000 को करोड़ से खजाना आपके देने चाह रहा हूँ। तो एक फ़ोटो लगा के, ये रुस्तुम पटेल इतना एजड है लेकिन ये इफेक्ट में आया। सो ऐसा कभी कभी राइस पुलिंग, कभी कभी चीटिंग, कभी कभी मंत्र ट्रेजरी टोल्स, कभी कभी ये लेडी का मामला आया, नया तरीका चीटिंग। तो ऐसा लाखों के रुपए सभी लोगों से ले लिया। ये आदिल से भी बहुत पैसा ले लिया, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे। वो लैविश एक्सपेंडिचर है, वो शकीना बीबी फातिमा से इन लोगों को बहुत बहुत लग्जरियस 5-स्टार होटल में हांगकांग सिंगापुर मलेशिया जा रहा है। सो एक दो दिन ये पैसा लेके दो बिल्डिंग भी बनाया। तो अभी ये रुस्तुम पटेल कंप्लेंट में चीटिंग एंड ब्लैक मैजिक रेमिडीज एक्ट आर्म्स एक्ट के इन्वेस्टिगेशन करके 10-15 दिन से ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। वो DCP ACP मीरचौक इंस्पेक्टर मीरचौक एडिशनल DCP जानिब से वो बहुत मेहनत करके 13.5 lakhs सीज कर दिया। ये 8.5 lakhs जंगली यूसुफ एक रेडी शीटर था मल्लेपल्ली एरिया में, उनके थ्रो दे दिया। ओनली ये जंगली यूसुफ का ये चीटिंग का कोई ताल्लुकत नहीं, लेकिन बीच में 8.5 lakhs लेने में कुछ ही धमकी दे दिया। तो रोडी शीटर है, PD एक्ट में गए, वो फिर क्यों आया ऐसा करके हम उन लोग इनको भी अरेस्ट कर दिया। छोटा केस है लेकिन अरेस्ट करा। तो मेन आदमी ये आदिल मेहताब हुसैन, उनका वाइफ शकीना फातिमा, ये दोनों को और पुलिस कस्टडी में लेके कितने लोगों को डुबाया, कितने करोड़ ले लिया, अगर ज़रूरत है तो वो CCS को भी ट्रांसफ़र करेंगे केस। और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में कितना ह्यूमन राइट्स को जाते हैं, लायर्स और प्राइवेट केस डालते हैं, व्हाट्सएप में भेजते हैं। वो जान पूछ कर जो आदमी व्हाट्सएप में करके इन्वेस्टिगेशन डैमेज करने के लिए कोशिश करेगा तो उन लोगों को भी एक्शन ले लेंगे, क्योंकि इतना लोगों को डुबाया, नया तरीका से खजाना कैसे मिलता, 4000 साल का लेट से आते, वो पिक्चर्स नहीं है ना आजकल, कोई आदमी को सुपर नेचुरल पावर्स नहीं होता, मानवातीत शक्ति किसी के पास नहीं है। तो ऐसा लेकर ये ट्रेजर गया है, वो टिपू सुल्तान का, निज़ाम का, आसिफ जाही का, कुतुबशाही का, ऐसा डुबा के पैसा ले रहे हैं। लोगों को हम गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, ऐसा लोगों को नहीं मानना चाहिए। तो हम जो आदमी का और डीप इन्वेस्टिगेशन करके अगर चाहेंगे तो उनको PD एक्ट भी लगाएंगे। वो जंगली यूसुफ क्या है, इस बीच में आके 8.5 lakhs इससे ले लिया ये देने के लिए, तो ये भी जंगली यूसुफ के पास सीज करके कोर्ट में सबमिट कर रहा है। ये पैसा पूरा कंप्लेंट का है, कंप्लेंट्स को जाता है। थैंक यू।